हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल क्लासरूम फराक के चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम सेंटीग्रेड से फारेनहाइट, फारेनहाइट से सेंटीग्रेड में कैसे कन्वर्शन करते हैं तो उसको आप जानेंगे। आज सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे बदलेंगे, फारेनहाइट को केल्विन में कैसे बदलेंगे, तो चलिए जान लेते हैं। वैसे तो तापमान मापने का बहुत सारा स्केल है, लेकिन हम लोग तीन को ही जानेंगे, सेंटीग्रेड, फारेनहाइट और केल्विन स्केल को। तो चलिए जानते हैं। तो तापमान मेजरमेंट यानी कि टेम्परेचर मापने का कई तरह के स्केल होते हैं, लेकिन हम लोग सेंटीग्रेड, फारेनहाइट और केल्विन को जानेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है केल्विन, ठीक है। और सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर का लोएस्ट मान होता है, अर्थात फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अर्थात हाईएस्ट पॉइंट होता है 100 डिग्री। और फारेनहाइट में जो लोएस्ट पॉइंट होता है अर्थात फ्रीजिंग पॉइंट वो होता है 32 डिग्री, और फारेनहाइट में बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 212 डिग्री फारेनहाइट का मापा जा सकता है। और केल्विन में देखिएगा लोएस्ट पॉइंट होता है, लोएस्ट अर्थात जिससे फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273 के, और अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट होगा तो होगा हाईएस्ट मान, तो होगा 73 केल्विन। तो चलिए अब थोड़ा सा जान लेते हैं कैसे कन्वर्शन किया जाता है सेंटीग्रेड से फारेनहाइट, फारेनहाइट से केल्विन को। तो देख लीजिए, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। जो फॉर्मूला होता है उसी को आपको याद रखना है, अगर सेंटीग्रेड से, तो उस फॉर्मूला का अगर आप याद रखेंगे तो सेंटीग्रेड से फारेनहाइट, फारेनहाइट से केल्विन आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि फॉर्मूला होता है C/5 = F - 32/9 = K, अर्थात केल्विन -273/5। तो इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। तो देख लेते हैं थोड़ा सा कन्वर्शन, और फॉर्मूला को भी देख लेते हैं कैसे आता है फॉर्मूला। चलिए, तो सेंटीग्रेड से फारेनहाइट में, फारेनहाइट से केल्विन में बदलने का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है C/5 = F - 32/9, और केल्विन में होता है K - 273/5। ये फॉर्मूला है। तो अगर आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हो रखिए, और अगर नहीं पता फॉर्मूला कैसे आता है तो देख लीजिए कैसे फॉर्मूला आता है। तो सेंटीग्रेड में C और लोएस्ट मान तथा फ्रीजिंग पॉइंट था 0, और दोनों का डिफरेंस हाईएस्ट मान क्या था, हाईएस्ट मान था 100 डिग्री अर्थात बॉइलिंग पॉइंट, और लोएस्ट मान था 0 सेंटीग्रेड का। अब फारेनहाइट में देखिए, फारेनहाइट में F माइनस लोएस्ट मान था 32 अर्थात ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट, और दोनों का डिफरेंस हाईएस्ट और लोएस्ट मान अर्थात हाईएस्ट था 212 और लोएस्ट होगा 32। अब केल्विन में देखिए, केल्विन लोएस्ट मान क्या था 273, और डिफरेंस कीजिए 373 होता है हाईएस्ट मान केल्विन में, और लोएस्ट होता है 273। अब देखिए C-0 करने से क्या होगा, C होगा सेंटीग्रेड ही होगा, दोनों का डिफरेंस होगा 100 ऊपर F - 32 डिग्री / दोनों का डिफरेंस क्या होगा 180। 212 से अगर 32 माइनस करेंगे तो 180 हो जाएगा। और केल्विन देखिए, K - 273 और दोनों का डिफरेंस होगा 100। तो आप ये नीचे काट सकते हैं, कर दीजिए, अब कटेगा 2 से 5, 9 और 5। तो ये फॉर्मूला हो गया C/5 बराबर F - 32/9 और बराबर K - 273/5, अर्थात C/5 एफ माइनस जो फारेनहाइट का सबसे लोएस्ट मान होता है फ्रीजिंग पॉइंट / 9 और केल्विन माइनस
केल्विन का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273 केल्विन में फ्रीजिंग पॉइंट और बाय 5। अब थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना डिग्री फारेनहाइट है, तो फॉर्मूला क्या था, सी बाई 5 बराबर एफ माइनस 32/9। तो इसको आप लिख सकते हैं 6C मतलब होता है 60 डिग्री सेंटीग्रेड का मान है, बाई 5 बराबर एफ माइनस 32/9। इसको आप काट सकते हैं और नहीं भी काट सकते हैं, 5/60 9 × 12 हो गया 18 और 108 बराबर एफ माइनस 32। तो एफ इधर है और माइनस 32 इधर लाने में हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 108 प्लस 32 प्लस करने पर हो जाएगा 140 डिग्री। तो यह होगा 60 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 140 डिग्री फारेनहाइट। ये आपका आंसर हो गया। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है 400 K अर्थात केल्विन बराबर कितना डिग्री फारेनहाइट है। फॉर्मूला क्या था केल्विन का, के माइनस 273 बाय 5 और फारेनहाइट का था एफ माइनस लोएस्ट वन 32/9। तो केल्विन का था 400 दीजिए माइनस 273 बाय 5 बराबर एफ माइनस 32/9। तो ये माइनस करने से क्या होगा, 400 से 273 माइनस करने पर हो जाएगा 127/5 बराबर एफ माइनस 32/9। अब 127 से 9 गुना करने पर हो जाएगा 1143 और इधर 5F और 32 से 5 गुना करना हो जाएगा 160। तो 5F बराबर हो जाएगा, ये माइनस में है तो इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 1143 प्लस 160 हो जाएगा 1303। अब एफ बराबर हो जाएगा, एफ बराबर 1303/5 यानी कि आप लिख सकते हैं इसको 260.6 के लगभग आ जाएगा, ठीक है, इतना डिग्री फारेनहाइट। तो ये आपका आंसर होगा। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है कि कितने डिग्री तापमान पर सेंटीग्रेड और फारेनहाइट का मान बराबर होता है। तो इसका आंसर होता है माइनस 40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फारेनहाइट का मान बराबर होता है। तो देख लेते हैं कैसे आता है। सेंटीग्रेड का मान होता है, फॉर्मूला होता है सी बाई 5 और फारेनहाइट का होता है एफ माइनस 32/9। तो सेंटीग्रेड और फारेनहाइट का मान बराबर होगा तो दोनों को एक्स पकड़ लेते हैं, सी भी एक्स है एक्स बाय 5 और एफ भी एक्स है बाय 9। अब 9x लिख सकते हैं
और 5x माइनस 160। तो 9x माइनस प्लस 5x है, इधर आएगा तो 4x हो जाएगा, माइनस 5x मानी 4x हो जाएगा बराबर माइनस 160। तो x बराबर हो जाएगा 160 बाय 4, यानी कि माइनस में है भैया माइनस 40 डिग्री, यही आपका आंसर होगा। थैंक यू फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।